इवत मने मने कुमारण अंत तायंदिरु युवकरु हिरियरु नम जो तव समय को मनपूर्वक धन्यवाद हेलक इष्टपड़ती तायंदिरे अदे तर नम पक्ष हिरे मुखंड तड़कल साहेबरु भागद कार्पेटर अलीम पटेल साहेबरु मत भागद नम मामद मद्री अवरु मत्तोब्बरु हिरे मुखंड श्यामराव सुरन साहेबरु शिवलिंग पाटील बिरबिट्टी अवरु मलिक नागनहळ्ळी अवरु हलवर इवत नम पक्ष मुखंड नान बंद बेंबल कोट्री तमेल्लरिगे मनस्पूर्वक धन्यवाद हेळ्तीनि याकंद्रे इवत नम पक्ष मुखंड बंद्रे इवत ननगोंदु शक्ति बेळेदेनो अंत अन्स्ता इदे इवत इवत ओंदु शक्ति बंदिदे अंत अन्स्ता इदे बंधुगळे अदे तर इवत दक्षिण मत क्षेत्रदाग इवत प्रति हळ्ळि हळ्ळि प्रति वार्डगळु इवत मने मने होगि इदे तर नानु जनर मध्ये ಈ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಕುಮಾರಣ್ಣರು ಈ ಪಾಂಪೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ನಿದ್ದೆ ಆರೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ 10 ತಾರೀಕು ದಿನ ಮತ ಆದ್ಮೇಲೆ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಜ್ಜಿತ ಎದುರ ನಿಂತು ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಭಾಗದಾಗ ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 15 20 ವರ್ಷ ನಿಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಇವರಿಗೆ ಸೋಲ್ಸಕಾಗಿಲ್ಲ 3-4 ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಓಟೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಆಜ್ ಮೇರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯೋ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಆಜ್ ಮೈ ಸೌತ್ ಕೇ ಅಂದರ್ ಕೈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಮಾರೇ ಬೀಚ್ ಮುಸಲ್ಮಾನೋ ಕಾ ಆಯಾ ಥಾ ಜಬ್ ಅಜಾನ್ ಕಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಾ ಇಜಾಬ್ ಕಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಾ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಕಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಾ ಜಬ್ ಜಟ್ ಕಾ ಕಟ್ ಕಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಾ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ हाल ही में 4% रिजर्वेशन हमारे मुसलमानों का निकाला गया था ये कांग्रेस पार्टी ये अलम प्रभु पाटिल को मैं पूछना चाहता हूँ उस टाइम पे तुम कहाँ पे सो गए थे जब भी इलेक्शन आता उस टाइम पे मुसलमानों सेकुलर पार्टी को हम वोट देना कांग्रेस बोल के कांग्रेस वाले आज मुसलमानों के बीच जाते जब मुसलमानों का बुरा वक्त आता जब ये कांग्रेस वाले एक भी स्टेटमेंट नहीं देते मैं साउथ के अंदर हाल ही में जो 4-5 इशू के अंदर मैं आवाज उठाया हूँ ये भाई आपके लिए आवाज उठाया हूँ सेकुलर माइंड रखते हुए मैं आपके बीच आया हूँ आपका खिदमत करने आया हूँ आने वाले दिनों में हमारे बीच CNRC के इश्यूज और जिंदा है आने वाले दिनों में फिर मुसलमानों के ऊपर नए नए कानून लेके आते मैं आपके लिए ठहरूंगा एक बार मैं हाथ जोड़ के आपको ये मौका पूछता हूँ ये नौजवान भाई मैं क्या बड़े मेरे सियासन फैमिली से नहीं आया हूँ मेरे माँ बाप कोई MLA नहीं मंत्री नहीं मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ 40 साल से मेरे वालिद चाय बेच रहे उनका बेटा आज आप लोगों का खिदमत करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कांग्रेस पार्टी हमारा दुश्मन है मुसलमानों का दुश्मन कांग्रेस पार्टी है जब BJP वाले हमारे बीच जो जहर डालने का काम कर रहे उस टाइम पे कांग्रेस वाले चुप बैठते DK शिवकुमार जब कोई मुसलमान का भाई हमारे बाजू टोपी लगा के आता DK शिवकुमार डकलता ऐसा ये सेकुलर पार्टी नहीं BJP से भी ज्यादा कम्युनल पार्टी आज कांग्रेस पार्टी है आप लोग को अभी सोचकर तय करना है आने वाले दिन हमारे लिए बहुत नए नए कानून लेके आते उसके लिए मजबूती के साथ कौन सा लीडर आपके साथ में रहेगा उसको आप आशीर्वाद करना बोल के मैं बोलना चाहता हूँ बहुत सारे अभी गारंटी कार्ड के ऊपर निकले ये लीडरों का ही गारंटी नहीं है गारंटी कार्ड लेके क्या करते 2000 रुपए बिजली फ्री क्या करे आप पिछले 5 साल जब सिद्धरामैया साहब का गवर्नमेंट था उस टाइम पे बताओ मुसलमानों के लिए क्या करे कुछ भी काम नहीं हुआ जब कोरोना में आए कोरोना में भी बहुत सारे लोग हमारे भाई लोग रिश्तेदार हम लोग गवा लिए लोगों को उस टाइम पे कोई भी हमारे बीच लीडर नहीं उतरा मैं आपको सबको विनंती करता हूँ आने वाले 10 तारीख को ये मिल्लत का इलेक्शन है
ये क्वाम का इलेक्शन है, आप लोग को फैसला करना है। गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ ये दोनों भी उधर नासिर उस्ताद साहब कैंडिडेट है, साउथ के अंदर मैं उम्मीदवार बन के आज मैदान में उतरा हूँ। आज बीजेपी और जेडीएस का ही फाइट है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आज के डेट में, इंटेलिजेंसी सर्वे के हिसाब से कांग्रेस तीसरे नंबर पे। आज मेरा फाइट रहेगा सिर्फ दत्तात्रेय पाटिल के साथ में रहेगा, कांग्रेस के साथ में नहीं रहेगा। आज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग फैसला करो एक बार, ये भाई ये गरीब का बेटा आपके बीच आया हूँ आपका खिदमत करने के लिए। हमें मेरे वालदा को मैं कारपोरेटर किया हूँ, वहाँ पे एक भी हमारे हिंदू के वोट नहीं थे, पूरे मुसलमान भाई वहाँ पे थे। 25 साल से वहाँ पे कांग्रेस हुकूमत था, मैं जब वोट पूछने गया तो लोग बोले नहीं हम कांग्रेस को वोट डालते बोल के। वैसे वार्ड में मेरे वालदा को आप लोग साथ दिए, मुसलमान लोग साथ दिए, आज मेरे वालदा कारपोरेटर बने वहां पे। मैं आज वार्ड नंबर 16 का खिदमत कर रहा हूं उनका, उसी तरह मैं साउथ के अंदर मैदान में उतरा हूं। मैं आपको मैं वादा करता हूं जब तक मैं जिंदा होऊंगा मैं साउथ के अंदर आप लोगों के साथ में ठहरता हूं बल्कि मैं बोलना चाहता हूं। मेरे को जो बात करने का मौका दिए आप लोगों को सबसे दिल से शुक्रिया अदा करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मेरे को फिर एक दो का प्रोग्राम है, फिर आता हूं इंशाल्लाह। हमारे अलीम पटेल साहब अभी ये वार्ड के कारपोरेटर है, ये इलेक्शन उनके हाथ में ही हम जिम्मेदारी देके जा रहे हैं। आज अलीम पटेल साहब कैंडिडेट बोल के काम करना है आप लोगों। आज मैं जाने के बाद फिर कल कांग्रेस वाले आपके बीच आते, खत्म हो चुका है इनका गारंटी कार्ड, लीडरों में एकता नहीं है, हमारे को साथ नहीं देने वाले हैं ना। बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आ रहा है, चार बार चार चार उम्मीदवार चेंज करते आज बीजेपी को जिताते यहाँ पे। सोचो आप, वक्त अभी 10-12 दिन आपके बीच है, सोच के वोट डालो। 10 तारीख को वोटिंग है, 2 नंबर पे मेरा बटन है। आज बीजेपी हर टाइम 2 नंबर 1 नंबर पे बीजेपी का बटन आता था, ये भाई दक्षिण साउथ के अंदर मैं कैंडिडेट बना, 3 नंबर पे बीजेपी का बटन चले गया, मेरा 2 नंबर पे है। आप दुआ करो, दुआ के साथ में आशीर्वाद के साथ 10 तारीख के दिन फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करना। आज हम एक भाई को कामयाबी करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उसका साथ दो बोल के दुआओं के साथ मेरे को वोट डालो। यहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट खत्म हो चुका है इनका भी, तुम दुआओं के साथ तोड़ डालो, दोनों के डिपॉजिट जब्त करा तो मैं आज आपको बोलना चाह रहा हूं। बात करने का मौका है अभी, आने वाले दिनों में फिर आऊंगा इंशाल्लाह आपके बीच। मत नि बर्ती कुटुंबीन बंद बड़ो कुटुंब सेवे माड़ बर्ता इवत नम तायंदर फुल टाइम को अल्ली निल्तना नन जो ತಾಯಂದಿರೇ ಇದು ಋಣ ನಾ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಗ, ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಬಡ ಮಗ ನಿಮ್ ನಡು ಬಂದೀನಿ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜಯ ಕನ್ನಡ.